अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए 2024, यानी इस साल का जो इन्होंने नया सिलेबस निकाला है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कल ही आउट हुआ है। किसको इन्होंने मार्क्स बढ़ाए हैं और किस चैप्टर में इन्होंने मार्क्स घटाए हैं और कौन सा चैप्टर अब इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, सारा कुछ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। और अगर आपको सिलेबस चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ आपको ये मिलेगा ये सिलेबस। तो हम सिलेबस को देख लेते हैं सुपरफिशियली, इस साल इन्होंने किस चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए हैं और घटाए किसमें। अगर हम पहला यूनिट देखेंगे फिजिक्स वर्ल्ड, सेम वही था जो प्रीवियस ईयर सिलेबस में था, 2 मार्क्स इसमें है और काइनेमेटिक्स में 3 है। फिर अगर हम नीचे देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हो कि किस हिसाब से इन्होंने इस साल वेटेज रखी हुई है, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो मैं बताऊंगा, जो इजी भी हैं आपको कोरिलेट करके एक दूसरे से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 2 चैप्टर कोरिलेट एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उसके आपको 8 नंबरात बनते हैं, 8 मार्क्स बनते हैं। फिर ऑप्टिक्स उसके साथ बनते हैं। इस हिसाब से फिजिक्स की स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है, क्योंकि फिजिक्स का हर वक्त यही टारगेट होता है कि हम कम से कम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो यही स्ट्रेटेजीज रहते हैं। अगर आप 2 मार्क्स का यूनिट्स पढ़ोगे, जो आपको 1 महीना 2 महीना ले, वहाँ से टाइम भी उतना नहीं है, तो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी होती हैं कौन से ज़्यादा वेटेज वाला है और आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो और ये लास्ट है, अब कुछ ही टाइम है एग्ज़ाम, यानी लास्ट घड़ियाँ चल रही हैं, तो इस टाइम पे आपको बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, हार्डवर्क से ज़्यादा यहाँ पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो फर्दर हम देखेंगे वेव्स ऑप्टिक्स, मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल नेचर बहुत ही इजी होता है, ड्यूअल नेचर जिसमें हम देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्स, ये ऑब्जर्वेशंस हम इसमें देखते हैं, तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसका वेटेज भी कम है, आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सबसे, अगर मुझे कोई बोलेगा कि सबसे ज़्यादा सिंपल और ईजी चैप्टर कौन है फिजिक्स में, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कहूँगा, जिसमें हमें एनोड कैथोड पी जंक्शन पी एन जंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, गेट्स पढ़ने पड़ते हैं, डायोड्स, ये बहुत ही इजी हैं, सबसे इजी हैं, इसको आप करके ज़रूर जाना और इसके मार्क्स भी 4 है। तो इसके बाद केमिस्ट्री की बात हम करेंगे। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको कंपलसरी ही पढ़नी है, अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो आपको बहुत एटॉमिक मॉडल जहाँ से मार्क्स बनते हैं, डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी वहाँ से मार्क्स बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम 4 हैं इसके, और फिर अगर हम नीचे देखेंगे सॉल्यूशंस 2, थर्मोडायनामिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, तो बहुत ही इस साल इन्होंने जो सिलेबस रखा है, जो एस अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे बहुत सिमिलर है, कोई उतनी फ़र्क भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हम नीचे देखेंगे, जहाँ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, देखो यहाँ अगर यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हमें मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, इनके ओलिगोसैकेराइड्स, यहाँ से हर साल आप नीट देखो, आप जेके बोपी देखो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें डेफिनेटली मिलेंगे। और फिर यहाँ से जो ये नीचे लाएंगे, ये 2 न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स में से 101% आप क्वेश्चन बांध के रख लो कि यहाँ से आने वाला है। पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्स एंड डेफिशिएंसीज ऑफ डिजीजेस, यहाँ से आप नीट का कोई भी पेपर उठा लो, जेके बोपी का कोई भी पेपर उठा लो, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा तो बोलना कि सर आप गलत बोल रहे हो। आप बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी सबसे पहले आपको क्या करना है, बायोलॉजी में आपको पहले ही पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही आपको करने हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट पे आना है और फर्स्ट यूनिट आपको करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले अगर आप पहले ही डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ उठाओगे आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, आपको पहले ईजी उठाना है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, इसको आप पढ़िए। ये मेरी स्ट्रेटजी जब मैं पढ़ता था, आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये PDF अगर चाहिए तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।